नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों RRB NTPC अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से RRB NTPC की वैकेंसी को लेकर अपडेट आया है। आपका RRB NTPC का जो वैकेंसी, वो वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है, उसके बारे में एक अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हमको लेके चलते हैं उस नोटिस पे जहाँ पे दोस्तों RRB NTPC की वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस आया है यहाँ पे साउदर्न रेलवे की तरफ से आया है। हेडक्वार्टर ऑफिस पर्सनल बांध चेन्नई 600003, डेट 24/5/2022। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पेनमेंट एंड रिडक्शन टू नोटिफाइड वैकेंसी फॉर CN01/2019 बोर्ड्स लेटर नंबर 2022/ RRB 25/21 डेटेड 24/5/2022। ये कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2020/ RRB 25/21 डेटेड 24/5/2022 इन रिगार्ड टू एम्पैनलमेंट और रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी ऑफ CN01/2019 इज एनक्लोज हियर विथ फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर एक्शन। द वैकेंसी असेसमेंट फॉर NTPC वॉज डन एज ऑन 1/1/2019 एंड बेस्ड ऑन दिस वैकेंसी इंडेंट्स were placed on RIMS for NTPC category. Now, as 3 years have been already lapsed, there might be change in assessment made. So, based on the board's direction seated above, vacancy may be reviewed and your current requirement in the following category may be furnished by 26/5/2022 with the communal breakup. यानी कि दोस्तों RRB NTPC का जो नोटिफिकेशन आया था, ये आपका 1/1/2019 को आया था और अभी जो है 2022 से दोस्तों तीन साल बीत गए दोस्तों। यहाँ पे RRB का जो वैकेंसी, जब 2019 में जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था तब जितना यहाँ पे वैकेंसी था, अभी जो है दोस्तों असेसमेंट में काफ़ी सारा चेंजेस हो गया है। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी का जो भी यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे अपडेट दी गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द बोर्ड डायरेक्शन सीटेड एवर वैकेंसी में बी रिव्यूड एंड योर करेंट रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग कैटेगरी मे बी फर्निश ऑन 26/5/2022 विद द कम्युनल ब्रेकअप। यानी कि दोस्तों जो भी करेंट रिक्वायरमेंट है वो 26/5/2022 के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे कौन सा पोस्ट में यहाँ पे आपका वैकेंसी चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है स्टेशन मास्टर, गुड्स कर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, कमर्शियल टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी में चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर है उसका भी सिग्नेचर यहाँ पे दी गई है और डेट दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जब जो नोटिस आया यहाँ पे 24/5/2022 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पैनलमेंट एंड रिडक्शन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर CN01/2019 ए प्रपोजल फॉर रिविजन ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड थ्रू CN01/2019 बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट रिसीव फ्रॉम जोनल रेलवे थ्रू देयर नोडल RRB वॉज कंसिडर्ड इन बोर्ड ऑफिस एंड इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू मेक एनी चेंज इन द वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाइड। यानी कि दोस्तों 2019 में जो वैकेंसी आया था, यहाँ पे पहले बताया था कि जो भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है बोर्ड हैज़ नाउ डायरेक्टेड टू रिव्यू द रिक्वायरमेंट फॉर एनी एक्सेस और रिडक्शन इन इंडिविजुअल इंडेंट दैट मे एट द आउटसाइड इटसेल्फ बी रीडिस्ट्रीब्यूट बाई RRB एंड एम्पैनल अकॉर्डिंगली फॉर द रेलवे एज पर देयर रिवाइज रिक्वायरमेंट एनी पोजिशन इन दिस रिगार्ड बी वर्क आउट बाई जोनल रेलवे थ्रू देयर नोडल RRB एंड इफ़ रिक्वायर्ड। यानी कि दोस्तों जो भी पोजिशन होगा यहाँ पे वर्कआउट किया जाएगा जोनल रेलवे के द्वारा थ्रू देयर नोडल RRB, यानी कि जो भी नोडल RRB है उसके द्वारा यहाँ पे वर्कआउट किया जाएगा अगर जरूरी है तो। नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन बाई नोडल RRB इन कंसल्टेशन विथ RRB चेन्नई। यानी यहाँ पे जो भी एक्शन होगा वो टेकन लिया जाएगा यहाँ पे नोडल RRB के द्वारा कंसल्टेशन विथ द RRB चेन्नई के साथ कंसल्टेशन करने के बाद। पोजीशन इन दिस रिगार्ड बी सबमिटेड बाय RRB चेन्नई फॉर इन्फॉर्मेशन अप्रूवल अप्रूव ऑफ बोर्ड। यानी कि यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा वो सबमिट किया जाएगा बाय RRB चेन्नई फॉर द इन्फॉर्मेशन अप्रूवल ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा जोनल RRB के द्वारा, वो भी आपका RRB जो भी नोडल RRB है उसके थ्रू डिस्कस करने के बाद अगर कोई भी डिसीजन यहाँ लिया जाता है तो यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा RRB चेन्नई के द्वारा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दी गई है। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आता है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।